अबे ओ लफंडर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार पे पैर रखने की? मैं तो सूले से बन रहा था, गाड़ी पे नहीं टायर पे पैर रखा था मैंने। अच्छा, टायर तेरे बाप का है क्या? अबे तेरी ना औकात भी नहीं है उसे छूने की, और तू उस पे पैर रख के खड़ा था? मन तो कर रहा है थप्पड़ लगाऊं खींच के। मैम इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप मुझे सुना रहे हैं, और अगर मैंने आपकी गाड़ी पे पैर रखा और आपको बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। इतनी सी बात तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे घर में 50-60 गाड़ियां खड़ी हो। अबे वो पैदल चलने वाले, तेरे को पता है जितनी तेरी मंथ की सैलरी नहीं होगी ना उससे महंगा मेरा ये टायर है, समझा? मैडम सॉरी बोल तो दी आपको, आप तो सर पे नाचे जा रही हैं, और अगर मेरे पैर रखने से आपके टायर का नुकसान हुआ है तो बताइए कितने का है। और आप मेरी शक्ल और मेरे कपड़े देखकर आप मुझे जज नहीं कर सकते हैं, आप अपनी लिमिट में रहिए। क्या कर लेगा तू? लिमिट में रहिए, लड़की होने का फायदा मत उठाइए। क्या हो गया यार? कुछ नहीं, बस ये लफंडर मुझसे बहुत देर से बदतमीजी कर रहा है। अबे कौन है तू, तेरी हिम्मत कैसी उससे बदतमीजी से बात करने की? भाई साहब मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी है, मैंने टायर पे पैर रखकर बस सूले से बांधे और कुछ नहीं किया मैंने। बदतमीजी नहीं की तूने? अबे ओए मेरी बात ना गौर करके सुन ले, इतना मारूंगा होश में नहीं रहेगा, और अगली बार किसी से बदतमीजी करने लायक नहीं बचेगा। चल अरे यार पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया, लगता है आ गया। अरे जिसान मेरे भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, तू सुना? आ बैठ। क्या बात है भाई, बहुत देर लगा दिया आने में, रास्ते में कोई दिक्कत हो गई थी क्या? अरे यार रास्ते में कुछ बदतमीज लोग मिल गए थे। बदतमीज लोग मिल गए थे मतलब? ठीक से बताएगा। अरे मैं एयरपोर्ट से, अरे यार जिसान ये सब छोड़, दुनिया में ना अलग अलग तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन इंसान जो कुछ करता है ना उसका फल उसे मिल ही जाता है। अच्छा तू ये बता घर पे सब कैसे हैं? सब सही है यार, तू बता। बस भाई यहाँ पर भी सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, अब हम दोस्त से बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं, अब हम दोनों भाई मिलके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धूम मचा देंगे। अरे बिल्कुल भाई। अरे यार मैं भी कितना पागल हूँ, दोस्त कितने दिनों बाद आया है और मैं बिजनेस की बात लेकर बैठ गया हूँ। अच्छा तू बता क्या खाएगा? अरे यार सुबह से बाहर का खाना खा रहा हूँ, पर अब नहीं खाऊंगा, अब तू जो घर में बनवाएगा वही खाऊंगा। तू सही कह रहा है यार, घर के खाने की बात ही अलग होती है। अच्छा तू एक काम कर, रेडियो जा और मैं तेरे लिए खाना लगवाता हूँ, ठीक है? जेके जेके। यस सर। और सब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है सर। मैंने तुम्हें आज इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ मिस्टर जिसान से, और मिस्टर जिसान ये है जेके। हेलो सर। हेलो जेके। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम मिस्टर जिसान की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं, और सब कुछ बढ़िया चला तो हम पार्टनरशिप में आ जाएंगे और एक अच्छे पार्टनर भी बन जाएंगे। तो हमें अपने स्टाफ में से किसी एक को इनकी कंपनी में भेजना होगा ताकि इनकी कंपनी की टेक्नोलॉजी और बिजनेस की मॉडल को समझे। तो जेके तुम बताओ किसको भेज सकते हैं, क्योंकि तुम सारी कंपनी को मैनेज करते हो और यहाँ के मैनेजर भी हो। सर मेरे ख्याल से रिया बेस्ट रहेगी, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। रिया, गुड चॉइस। तुम एक काम करना, रिया को कल मेरे घर भेज देना, मैं रिया को सर से मिला दूंगा, बाकी जो होगा देखेंगे और रिया को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है सर, मैं रिया को इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी के कितने प्रोजेक्ट क्लियर हो गए हैं और कितने बचे हैं? सर समथिंग सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक दो प्रोजेक्ट्स बाकी हैं, वो एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ओके दैट्स ग्रेट, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा अब तुम काम देखो और हाँ रिया को इन्फॉर्म कर देना। ओके सर मैं बता दूंगा, थैंक यू। अच्छा जिसान अब स्टाफ से बात भी हो गई है, बाकी जो अपने बिजनेस का मॉडल है वो मैंने तैयार कर लिया है और मैं तेरे को मेल कर दूंगा। चल ठीक है फिर मैं चलता हूँ। अरे यार रिया को इन्फॉर्म करना तो भूल ही गया मैं, एक काम करता हूँ उसे कॉल करता हूँ, एक ही घंटा बच रहा है वैसे भी।
हेलो रिया। हेलो जेके सर। मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी। हाँ सर बताइए। वो क्या है ना, हमारी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कोलैब कर रही है, तो सर ने तुम्हें घर पर बुलाया है। वैसे भी एक घंटा ही बचा है, तुम एक काम करो फटाफट रेडी हो जाओ। ओके सर। वैसे सर ने मुझे बताया था इंटर्नशिप के बारे में। ठीक है। तू यहाँ क्या कर रहा है? आप अपने काम से काम रखिए। और अब ये बताइए आप यहाँ क्यों आई हैं? देख पहले तो ना तमीज से बात कर, और नौकर है ना तो नौकर की तरह रह, वरना दो मिनट नहीं लगेंगे तुझे तेरी औकात दिखाने में, समझा? सबसे पहले ना आप तमीज सीखिए, और अगर नहीं मिल रही ना सीखने तो किसी अच्छे से स्कूल में दाखिला ले लीजिए, क्योंकि आपसे ज्यादा तमीज ना स्कूल के बच्चों में होती है। हाउ डेयर यू, तुझे खुद को तमीज है नहीं बात करने की, और तू मुझे सिखाएगा, रेडी इडियट। मैडम वो तो आपकी बातों से पता चल रहा है कि आप कितनी बदतमीज और कितनी निहायती लड़की हैं। और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि फालतू लोगों से बात करूं। अगर आपको कोई काम है तो बताइए, वरना जाइए यहाँ से। देख मैं ना तुझसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम से आई हूँ, तो तू अपना काम कर। ठीक है बताइए क्या काम है। अरे रिया तुम आ गई। जिसान मैंने तुम्हें बताया था ना हमारी कंपनी से एक एम्प्लॉई आएगा, तो वो रिया ही है, ये तुम्हारी कंपनी में आएगी। सर ये आप क्या बोल रहे हैं, ये तो आपके घर का नौकर है ना, तो इसकी कंपनी कैसे हो सकती है? जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। हाँ रिया इन्हीं की कंपनी है, और तुम्हें पता है टेक्सटाइल कंपनी में इनका बहुत बड़ा नाम है। लेकिन सर अगर ये इतने ही बड़े आदमी हैं, तो ये इतने सिंपल क्यों रहते हैं? मैम मैं इतना सिंपल इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे सादगी पसंद है, मैं और लोगों की तरह दिखावा नहीं करना चाहता। सचिन ये वही लड़की जिसके बारे में बता रहा था, इसी लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। रिया ये सब क्या है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इंसान का सबसे पहला फर्ज यही बनता है कि वो हर किसी के साथ अच्छे से बिहेव करे, और मैं तुम पर इतना भरोसा करता था, मैं तुम्हें अपनी कंपनी का सबसे अच्छा एम्प्लॉय समझता था। रिया तुम्हें पता है इंसान के अंदर इंसानियत का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जिसान को सिंपल रहना पसंद है, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसको उसके कपड़ों से जज करोगी। और वैसे भी हमें ना कभी भी किसी के कपड़े देखकर उसको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ना कई बार ऐसा होता है कि हम धोखा खा जाते हैं। और वैसे भी इंसान को सादगी पसंद है, इंसान को सिंपल रहना पसंद है, तो इसमें क्या गलत है? और अपनी हर किसी की चॉइस होती है, किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, किसी को थोड़ा दिखावा पसंद है, किसी को मॉडर्न दिखना पसंद है, और किसी को सिंपल रहना पसंद है, तो इसमें क्या गलत है? और हर किसी की वैल्यू अपनी अपनी जगह पर होती है, कभी भी किसी का हुलिया देखकर उसको जज नहीं करना चाहिए। ऐसे में क्या होता है ना, हमारा खुद का नुकसान होता है। मैं तो यही कहूँगा रिया, इंसान चाहे कैसे भी कपड़े पहना हो, उसका लुक कैसा भी हो, लेकिन हमें हमेशा इंसान की इज्जत करनी चाहिए, हमेशा इंसान की इंसानियत की इज्जत करनी चाहिए, उसके कर्मों की इज्जत करनी चाहिए। जिसान ने मुझे बताया उसने तुम्हारी कार पे पैर रखा और वो अपने सूजलेस बांध रहा था, इतने में तुमने आके उसे धक्का मारा और उसे थप्पड़ भी मारा। चलो एक बार को मान भी लो कि उस वक्त जिसान की गलती थी, लेकिन आज जो तुमने जिसान के साथ बिहेवियर किया है वो सब मैंने सुन लिया था, वो तो मैं अनजान बन रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन रिया मैं तो यही कहूँगा, तुम जो कुछ ही बोलती हो उसे पहले समझो परखो कि तुम क्या बोलने वाली हो, क्योंकि इंसान को इंसान के शब्दों से इज्जत मिलती है। बाकी रिया मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था जिसान जी की कंपनी में इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि हमारी कंपनी और जिसान जी की कंपनी कुछ ही दिनों में कोलैबोरेट करने वाली है, हम साथ में ही काम करने वाले हैं, और हम इनकी कंपनी की टेक्नोलॉजी भी अपनी कंपनी में इंस्टॉल करेंगे। तो अब यही बता सकते हैं कि आप इस कंपनी में काम कर सकती हो या नहीं कर सकती हो। सर प्लीज़ मुझे अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने का एक मौका दे दीजिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको मौका देकर अपनी कंपनी का नाम नहीं खराब करना चाहता, आप जाइए यहाँ से। रिया हम जिसान जी कंपनी के साथ काम करने वाले हैं, तो इस मामले में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि तुम्हें हम अपनी कंपनी में रखें, तो तुम अब यहाँ से जा सकती हो। आई विनय शर्मा फैमिली कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है आप शेयर कर देंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूँ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ आप लोगों की शेयरिंग है। बाकी आपको पता है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो एक पॉजिटिव मैसेज के साथ में बनाते हैं, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज के अंदर अच्छाई से अच्छाई फैलाई जा सके, और अगर हमारी वीडियो के थ्रू किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी परिवर्तन आता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस वो होगी, चाहे 1,00,000 लोगों में से एक व्यक्ति भी बदल जाए ना, तो हमारे लिए वही सबसे बड़ी ताकत है, और हम ऐसी वीडियोज़ बनाते रहेंगे,
आप लोगों के ऐसे सपोर्ट की जरूरत रहेगी। आप लोग हमारे को फॉलो भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।